डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन या सेवक आपकी सेवा में। आज इस वीडियो में जेईई मेंस एडवांस के स्टूडेंट के लिए, साथ साथ नीट के स्टूडेंट के लिए भी, चैप्टर का नाम एरर्स इन मेजरमेंट्स या एरर एनालिसिस। इसमें ज़्यादा चेंजिंग सिलेबस में है नहीं नीट और जेई का, इस वजह से ये दोनों को साथ साथ क्लास ले रहा हूँ। कोई चेंजिंग नहीं है एग्जामिनेशन पैटर्न में, क्वेश्चन पैटर्न में, सिलेबस पैटर्न में। इस वजह से मैंने ये दोनों क्लास कॉम्बाइन किया है। बट ये याद रहे कि दोनों का सिलेबस अलग अलग है, दोनों का एग्जामिनेशन पैटर्न अलग अलग है, इसलिए मैं वीडियो अलग अलग बना रहा हूँ। मेंस एडवांस एक साथ और नीट का अलग। क्लियर, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे देखो, एरर एनालिसिस का कोई भी प्रॉब्लम बनाने के पहले 9 टर्म्स 9 आपके मेथड्स जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये आपके दिमाग में एक बार में एकदम 5 से 10 मिनट में दौड़ जाना चाहिए। क्या दौड़ना चाहिए सर? एरर एनालिसिस जानने के पहले तो मैंने लिखा है कि बिफोर सॉल्विंग एरर प्रॉब्लम आपको 9 ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको तुरंत दिमाग में डालना होगा, क्योंकि एरर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये 9 जो टर्म आपके लिखे हुए हैं इससे संबंधित होते हैं। लड़के एरर में जाते और ये 9 टर्म को दिमाग से हटा देते। नहीं बेटा, आज इस वीडियो में एरर एनालिसिस के पहले जाने के पहले हम ये 9 टर्म्स को न्यूमेरिकल के आधार पर, कोई रूल नहीं, डायरेक्ट जेई और मेडिकल ने जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अनुसार डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे, नियम वही बनाएंगे और आंसर कर देंगे। क्लियर? तो अब देखा जाए, स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। इस पर क्वेश्चन पूछेगा ही बेटा, दिमाग में डाल लो क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको एक ट्रू वैल्यू मिलेगा, ट्रू वैल्यू मिलेगा। जब समझ में ना आए हम नेचर में चले जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री 100% नेचर से आई है। समझ में ना आवे आसपास का एग्जाम्पल दिमाग में सेट कर लो, तुरंत समझ में आने लगेंगे। कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री कॉन्सेप्ट। ट्रू वैल्यू किसी भी मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू होता है। हमारी हाइट अगर भगवान ने दी है तो मेरा ये ट्रू हाइट है। क्लियर? ट्रू वैल्यू के आसपास, एकदम आसपास, देख लो मैं बना रहा हूँ, आसपास अगर कोई डाटा अगर आ रहा, स्टूडेंट अगर मेजरमेंट कर रहा, ट्रू वैल्यू कभी भी गेट नहीं कर सकता बेटा। कभी जिंदगी में ट्रू वैल्यू, कभी भी दिक्कत में आ जाओगे, कभी भी ट्रू वैल्यू मेजर नहीं कर सकते आप। ट्रू वैल्यू के आसपास तो जा ही सकते हैं सर, अगर आसपास हो सकता है कि इसके नीचे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, एकदम जितना छोटा देख लीजिए, एकदम लगभग इसके निकट में आ जाए, जितना कम से कम, देखो ट्रू वैल्यू से जितना कम से कम रखो, और जितना ये ऊपर जा रहे हो तो देख लो यहाँ भी ट्रू वैल्यू के लगभग आसपास रखो। कैसे सर? सर ये 3.00 मीटर है तो इसके लगभग में रखो बेटा,
2.9999 करने के चक्कर में रहो, जितना निकट पहुंचा सको ट्रू वैल्यू का, या यहां भी अगर ज्यादा भाग गया तो 3. देख लो यहां क्या होगा, 00001, जितना दूर जा सको डेसिमल को पहुंचा सको वही ट्रू वैल्यू के निकट होगा। ये सब सारे ट्रू वैल्यू के निकट हैं, जिसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी, ये एक्यूरेट है, क्वेश्चन बनवाएंगे ध्यान रखना। तो सर ट्रू वैल्यू के जितना निकट चला जाए, जितना निकट चला जाए वो एक्यूरेसी की पहचान है, पहचानने के लिए बताया। प्रिसीजन, सर ट्रू वैल्यू के आसपास ये नहीं होते, थोड़ा सा फार अवे होता है, थोड़ा सा नीचे भी जाओगे तो फार अवे होता है, हल्का सा यहाँ पे फार अवे, ये प्रिसीजन है। प्रिसीजन है, प्रिसीजन में क्या होता है सर, प्रिसीजन अपने ही मेजरमेंट को रिपीट करता है, बार बार अपने मेजरमेंट को रिपीट करेगा, अपने मेजरमेंट को रिपीट करेगा, कभी भी वो ट्रू वैल्यू के आसपास मडराएगा नहीं, कभी नहीं मडराएगा सर, अपने ही मेजरमेंट को बार बार रिपीट करेगा। बताएंगे, पहचानने के लिए बताया है, कभी भी ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं हुआ, दूर आया, फार अवे में लिखा दिया या फार अवे दे दिया, ये अपने ही मेजरमेंट के आसपास रिपीट हो रहा, नॉट गेटिंग ट्रू वैल्यू। क्लियर, एक शब्द ट्रू वैल्यू के आसपास एक्यूरेसी, ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं, फार अवे, बट आप बार बार वो चेक कर रहा कि ट्रू वैल्यू आ जाए, लेकिन अपने ही मेजरमेंट को बार बार ला रहा हो, प्रिसीजन। एग्जाम्पल इसका आएगा, चिंता नहीं करो। सर लिस्ट काउंट, ये इस एरर का अमिताभ बच्चन है जी, जैसे हॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के बिना पिक्चर संभव नहीं है बनना, वो बड़ा आदमी है, उसकी पूजा होगी। तो लिस्ट काउंट भी सुन लीजिए, एरर एनालिसिस का सबसे बड़ा अमिताभ बच्चन है, तो इसका मतलब इसको ध्यान देना होगा बेटा। लिस्ट काउंट 4-5 नाम आएंगे लिस्ट काउंट का, बताएंगे हम अभी, आप टर्म समझो, लिस्ट काउंट, राउंडिंग ऑफ नहीं, यहां के बाद फिफ्थ नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन। सर लिस्ट काउंट के बाद अगर सेकेंड ऑर्डर में कोई ऑर्डर आता है तो साइंटिफिक नोटेशन, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, दिमाग में रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, न्यूमेरिकल के माध्यम से सबको हम क्लियर करेंगे। फिगर को आप डिजिट कह सकते हो, नंबर कह सकते हो, तो सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर एक ही चीज़ है। अब रूल, सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानने का कुछ रूल है, आपको पता भी होगा। सिग्निफिकेंट फिगर में मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, दो सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड करेंगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ रूल है, उसको दिमाग में रखिए। सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन करेंगे, उसके भी रूल हैं, उनको याद रखिएगा। अब ये सेवंथ में आते हैं राउंडिंग ऑफ। अब ये क्या है भाई मेरे, लड़के करते क्या, आंसर शीट बना के छोड़ देते हैं, जेई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा, नीट ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा, ये जान लो। लास्ट में जब आंसर आ जाए, सबसे लास्ट में जब आंसर आ जाती है तो उसको राउंडिंग ऑफ करना जरूरी है, राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे तो आंसर लगभग नहीं मिलेगा जेई मेडिकल का, इसलिए इस पर ध्यान देना कि राउंडिंग ऑफ का नियम है, उसको हम बताएंगे। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने बताया, अभी के मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका सिग्निफिकेंट फिगर का होता है। यहाँ आने के बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ के बाद बचे खुचे जो होंगे, क्वेश्चन आंसर आपको मैं दे दूंगा।
इसके बाद तब एरर एनालिसिस में जाइएगा तो आपको मजा आएगा, तब यहां से किसी तरह का भी कोई सारी कमियां एरर दूर करके तब एनालिसिस में जाएंगे, ये सारी कमियां निकाल करके तब एरर में जाइएगा तो एरर स्वा क्लियर। तो चला जाए आगे देखें, इस खूबसूरत क्वेश्चन को देखो क्या दिया गया। ट्रू वैल्यू के आसपास का डाटा, एकदम निकट का डाटा क्या कहलाता है? ट्रू वैल्यू से मैच करता हुआ डाटा, सर ये एक्यूरेसी है, यहां व्हाट लिखा हुआ है एक्यूरेट कर दीजिए आप। ट्रू वैल्यू से फार अवे और अपने ही डाटा को रिपीट कर रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा, ये प्रिसीजन है सर, प्रिसीजन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। अब इसको देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये ट्रू वैल्यू है, इसके एकदम आसपास, देखो आंसर सीट यहीं पर बना देता हूं, ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी से बनेगा, 3.00 मीटर है, इसके लगभग आसपास 3.01 मीटर है, ये क्या आ गया सर? ये एक्यूरेट हो गया, 2.99 ना 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 2.99 मीटर, ये आपका क्या आ गया? प्रिसीजन, प्रिसीजन आ गया। अब ये तो प्रिसीजन नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है सर, नॉट एक्यूरेट, बट फार अवे है, प्रिसीजन है, प्रिसीजन है, ध्यान रखिएगा, क्लियर? 3.05 ना 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 ना, अरे बाप रे बाप, नाइदर, इतना दूर जा चुका, फार अवे भी बहुत दूर नहीं होना चाहिए, नॉट फार अवे, फार अवे मैंने बोला है, नॉट प्रिसाइज और नॉट एक्यूरेट, ये हो गया बेटा। अब और क्लियर करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन से, कि इस कंफ्यूजन आपको है अभी कि समझ में नहीं आया, हो सकता है कि मैं रट के आ गया हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, इन सबों का आंसर है किसके पास? तो नोट पॉइंट करो, जब भी मेजरमेंट से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन डाउट आ जाए, जैसे कौन प्रिसीजन, कौन प्रिसाइज, कौन एक्यूरेट, ट्रू वैल्यू तो कभी ला नहीं सकते मेजरमेंट में, वो तो नेचुरल भगवान का बनाया हुआ हाइट है, इसको नापोगे तो भैया दुनिया का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि एकदम सही नाप दे, दुनिया का ऐसा कोई दर्जी नहीं है कि हमारे फिजिकल बॉडी को बना दिया गया है तो एकदम पक्का एकदम फिजिकल बॉडी के लायक कपड़ा को सी दे, स्टिच कर दे, कपड़ा बना दे, एकदम सही बात। मेजरमेंट ह्यूमन बींग है, एरर आना ही है, हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, दुनिया के किसी भी वर्ल्ड में अगर कोई भी इंसान मेजर करता है और ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंचना चाहता है तो उसे निकाल लो, गलती होना ही होना है, अगर गलती नहीं हुआ ना बेटा तो वो भगवान बन जाएगा, अब भगवान तो इंसान बन नहीं सकता, गलतियाँ इंस्ट्रूमेंट से हो सकती हैं, गलतियाँ इंसान से हो सकती हैं, इसलिए ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंच सकते हो, एक्यूरेट हो सकता कोई इंसान
प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता कोई इंसान? तो सर एक्यूरेट और प्रिसाइज में अंतर ही तो समझना है। इन अंतर का कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो अमिताभ बच्चन आया, जो सुपरस्टार आया मेजरमेंट का, उस सुपरस्टार का नाम लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट पहले समझ लो इसके बारे में। लिस्ट काउंट क्यों आया पहले ये बताइए। आप मार मत कीजिए जेई के क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्योंकि जेई का जो क्वेश्चन बनाने वाला एक्सपर्ट है वो आपसे भी ज़्यादा तेज है। आप जैसे जैसे चलोगे जेई और नीट आपसे चार कदम नहीं 10 कदम आगे क्वेश्चन बनाता है, तो आप 12-15 कदम तक तो जाओ। आप उस क्वेश्चन को क्यों बनाते हो जो बार बार आपको क्वेश्चन रिपीट कर, रिपीट तो करता नहीं, केवल क्वेश्चन बैंक बना लिए मेरा काम खत्म? नहीं बेटा, चलिए लिस्ट काउंट पर आइए। लिस्ट काउंट का मतलब हुआ कि हमारी जो एरर है इसको दूर करने का जिम्मेवारी इसी के पास में है। पहला बात, एरर इंस्ट्रूमेंट बनाता है, एरर इंस्ट्रूमेंट मेजर करते तब आती है। आंख भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो एरर होगी कहां? आंखों में, आंखों से, इंस्ट्रूमेंट से। तो लिखो लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एरर मेड बाय इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट एम्पियर मीटर आ जाए, मेजरमेंट मेजरिंग स्केल है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, गैल्वेनोमीटर है, बोल्ट मीटर है, मीटर है, स्क्रू गेज है, समझ लो, स्लाइड कैलिपर है, वर्नियर स्केल है। दुनिया में जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपने अपने आंखों से देखा है, स्पीडोमीटर, जो भी मोटर, जनरेटर, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब में लिस्ट काउंट होता है, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो मेजर करता है, वो ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंच सकता है। तो लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आगे सर करता क्या है? सर एरर दूर करता है। कैसा एरर? कैसा एरर? सबसे छोटा एरर, बड़ा में नहीं, बड़ा में दिखाई नहीं पड़ता, बड़ा में तुरंत समझ में आ जाएगा, बड़ा में एरर नहीं होता। बड़े डिजिट में कभी भी एरर टिक मत लगाना, जितना छोटा से छोटा जाकर के महीन से महीन गंदगी निकाल दो। सर एरर तो जिंदगी में जरा सा भी, शरीर के अंदर में जरा सा भी कोई कीड़ा अंदर चला गया तो कैंसर आ जाएगा। सबसे दुनिया का सबसे छोटा कीड़ा पूरा तुरंत आदमी मर जाता है। तो सर लिस्ट काउंट मतलब एरर, एरर निकालना, एरर मेजर करना, तो दुनिया का सबसे अंतिम सफर में जाएंगे वहां से एरर निकाल लेंगे। तो लिखता क्या है? लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट मेड बाय इंस्ट्रूमेंट। सबसे स्मॉलेस्ट का है सर, अंतिम में जाकर के पकड़ लिए कि उसको देख लीजिए। यहां से बोलिएगा सर जैसे चार है, इसको तो बड़ा है नहीं, इसको तो कोई फायदा नहीं है, ये तो दिखाई पड़ा, इसमें एरर कहां से आएगा? सर अब एरर डेसिमल आया, हाँ अब एरर आएगा, छोटा डेसिमल करने से 1/10 आ गया, इसमें एरर आ जाएगा। देखिए यहाँ 2 आ गया, और बढ़िया सर, 3 आ गया, और बढ़िया सर, 4 और बढ़िया सर, 5 और बढ़िया सर, 6 और बढ़िया सर, 7 और बढ़िया सर, 1 भी दे दीजिए, हाँ ये 7, 8, 9 तक, 9 के बाद तो फिर 10वां में चला जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा। तो क्या हुआ सर, यहाँ पर अगर मेजरमेंट क्या क्या एरर पकड़ लिया, एरर पकड़ लिया, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा एरर दूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा पार्ट में जाइए और वहाँ से निकाल लीजिए एरर। अगर यहाँ एरर निकल गया तो इतने एरर तो आप दूर कर दिए हो, यहाँ पर गलती पकड़ाया। अब देखो एग्जामिनेशन में क्या करते हो, सारा आंसर बना दिए, एकदम 100 में 100 आएगा। फिर
दस मिनट रखे हो कि एरर खो जाएंगे, गलतियां खो जाएंगे, खोज रहे हैं अंतिम मिली नहीं रहा। अंतिम में जा करके एकदम लास्ट छोर में एक को गलती आया, इसी में लिस्ट बनाओ, लिस्ट काउंट बनाओ। तो सर लिस्ट काउंट कैसे बनाए, तो नो तो कभी भी, नो के पहले तो लिस्ट में सबसे कम एक आया होगा, तब दो आया होगा, तब तीन आया होगा, तब चार आया होगा, पाँच छः सात आठ नौ। सर नौ का लिस्ट तो एक है, सबसे पहले एक आया होगा तब ना नो आया होगा यार, तो सबसे नौ का लिस्ट कौन हो गया एक। तो इस जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको मेजर किया होगा इसका लिस्ट काउंट जो होगा सबसे छोटा नंबर आपका एक यहाँ पर आ रहा, ये आ रहा था। आ रहा कहाँ मिला, कहाँ मिला तो पॉइंट मिला और जीरो मिला, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। देखो यहाँ एक डेसिमल के बाद कई डिजिट है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। यहाँ जाकर के लिस्ट बनाओ, नौ का लिस्ट बनाओ, ये अगर सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर या मीटर में, जिसमें भी यूनिट है यहाँ लिख दो, यही आपका लिस्ट काउंट हो गया एक लाइन में। जितना बड़ा डेसिमल उतना बढ़िया मेजरमेंट, उतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट, उतना बढ़िया ट्रू वैल्यू के पास पहुंचे, ट्रू वैल्यू के पास जो पहुंचा वो एक्यूरेसी हुआ। तो बोलो एसर्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल बराबर मोस्ट एक्यूरेट बराबर लिस्ट काउंट, खत्म लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट जब भी आपके दिमाग में आए मैक्सिमम डेसिमल के पास चले जाओ और उसका सबसे छोटा नंबर बना दो, यही हो गया लिस्ट मेजरमेंट मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। पर्पस शुद्ध करने के लिए, पर्पस ट्रू वैल्यू के आसपास जाने के लिए। प्रिसाइज तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता ट्रू वैल्यू के आसपास। देख लो यहां 3.00, देख लिया 3.01, एकदम सही बात बोला 3.00 है। कहां जाओगे सर, यहां नहीं जाएंगे, मैक्सिमम डेसिमल के पास जाएंगे, मैक्सिमम डेसिमल यहां है, यहां का लिस्ट वैल्यू एक से स्टार्ट करेंगे। हाँ सर देख लिए 3.0 बना जाएगा एक्यूरेट। यहां कहां है सर, नॉट एक्यूरेट। यहां कहां है सर, पांच है सर, एक होना चाहिए लिस्ट। सबसे कम मेजर करेंगे, ज्यादा मेजर करें तो बड़ा बड़ा साइज, मान ले जाए मामा चावल चुनती है, बड़ा बड़ा तो आंख से दिखाई दे रहा है कंकड़, वो तो तुरंत निकाल देगी, वो गलती का है, वो एरर का है, वो लिस्ट काउंट का है, आंख इंस्ट्रूमेंट हो गया। वो सबसे छोटा पार्ट चुनेगा कि सबसे बड़ा पार्ट चुनेगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा जाओ ना यहां, यहां कहां से स्टार्ट होता है नंबर, एक से, एक बनाओ ना, नाइन है तो कहां से स्टार्ट होगा सबसे छोटा, एक से, एक बनाओ ना, 3.0 बनाएगा। 3.05 कहां से आएगा, नॉट प्रिसाइज। 2.95 कहां से आएगा, 2.96 कहां से आएगा, हाँ 3.0 होगा एक्यूरेट। देख लो यहां एक्यूरेट है, केवल एक ही एक्यूरेट आया है, मैं क्लियर करने की कोशिश किया मैंने, इस पर ध्यान दोगे बार बार समझ में आ जाएगा आपको आसानी से, बार बार आप इसको रिपीट करो वीडियो को, और अगर समझ में आ रहा, समझ में आ रहा तो मुझको बचाओ, मुझको बचाओ, थोड़ा सा टुनटुना बजा दो और सब्सक्राइब कर दो, बस टुनटुनिया बजा दो सब्सक्राइब कर दो, हम जिंदा हो जाए, हमको काहे को चिंता, हमको पढ़ाने का चिंता में दो ना, हमको पढ़ाने दो ना, हमको चिंता क्यों दे रहे हो कि यूट्यूबर हमारा खत्म कर देगा, ज्यादा सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो हटा देगा, उसको चिंता क्यों डाल रहे हो मेरे में, मेरे में तो दो पढ़ाने का चिंता कि सर जितना से बढ़िया पढ़ा दीजिए,
तो बढ़िया से बढ़िया कैसे पढ़ाएंगे? तू लोग तो सब्सक्राइब करता नहीं है, 10-20 को 50 को दोस्त को बोलता नहीं है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आराम से सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, हमको पढ़ाने पर ध्यान दिलवाओ। ये 5 मिनट जो आपको बता रहे हैं ये तो बेकार बता रहे हैं ना, आपका आपका समय खा रहा हूं ना मैं। चलो टुनटुना बजा दो, बस 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 बस। लिस्ट काउंट को ठीक से देखिएगा, एकदम नेचुरल तरीके से बताएंगे जो दिमाग में धस जाए, एकदम आ जाए, क्योंकि ये लिस्ट काउंट आगे जाके बवाल मचाएगा आपका। एडवांस में बड़े बड़े क्वेश्चन मेंस में एडवांस में बवाल मचाएगा, यहां से ठीक ठाक होके जाओ। लिस्ट काउंट क्या बताया था? दुनिया का सबसे छोटा मेजरमेंट डन बाय इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट आई भी हो सकता है, ह्यूमन के साथ, ह्यूमन एरर में आई रेस्पॉन्सिबल है एरर कराने के लिए। लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट आएगा, इंस्ट्रूमेंट में आई आई ऑल्सो। लिस्ट काउंट का 4-5 नाम मैंने बताया, मैक्सिमम परमिसेबल एरर अभी तुरंत बताया है कि डेसिमल के सबसे लास्ट में जा करके सबसे छोटा नंबर चुनो। क्या बोला? डेसिमल के लास्ट नंबर में जाओ और सबसे छोटा नंबर चुनो। सबसे छोटा नंबर तो एक होगा सर, जीरो तो मेजर करेगा नहीं ना, जो जीरो लिखोगे ये किसे नहीं स्टार्ट करोगे। हाँ, सबसे लास्ट डेसिमल का नंबर जाओ, सबसे छोटा एक लिखो, आंसर तैयार, सबसे छोटा। तो मैक्सिमम परमिट कर दिया, परमिसेबल, और वही एरर हो सकता है क्योंकि सबसे छोटा वही है जो दिखाई पड़ता नहीं है और छूट जाता है, एरर हो जाता है पूरे शरीर में, एक कीड़ा इतना छोटा दिखाई पड़ता नहीं है, छूट जाता है, वही तो बर्बाद कर देता है शरीर को। एक छोटा सा आंसर बोलते हो एग्जामिनेशन में, 99 तो आ गया सर, एक छटांग भर कहीं पर हमको पकड़ में नहीं आया, सबसे लास्ट में सबसे छोटा में वो छूट गया सर, गलती हो गया। वही सबसे छोटा तो पकड़ना था प्यारे, जिसके चलते सिलेक्शन आपका नहीं हुआ। हाँ सर, अब तो सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे लास्ट नंबर में जाएंगे डेसिमल का, वहाँ पर देख लेंगे, सबसे छोटा एक कर देंगे, वहीं पर लिख देना है कि वही लिस्ट काउंट है, इसी को शुद्ध करना है। तो मैक्सिमम परमिसेबल एरर वही होगा, मैक्सिमम परमिसेबल एरर लिस्ट काउंट का नाम। आगे एक वर्ड है रिजोल्यूशन, सब कुछ छोड़ करके जेई रेजोल्यूशन मार रहा है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, तो डेसिमल में क्या होता है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टूटने को ही तो कहते हैं। तो रिजोल्यूशन का सबसे लास्ट में जा, तोड़ते तोड़ते एक डेसिमल टूट गया, दूसरा डेसिमल जो है टूट गया, तीसरा डेसिमल में टूट गया, चौथा डेसिमल टूट गया, पांचवा डेसिमल में, पांच मान लीजिए 5 सबसे लास्ट था, तो वहां तक तो जाके रिजोल्व किया हो ना। तो सर रिजोल्व का मतलब सबसे लास्ट में तोड़ना, तो तोड़ तो दिया, सबसे लास्ट में चला गया, रिजोल्यूशन का मतलब ही तो लिस्ट काउंट है। चलिए रिजोल्यूशन का मतलब लिस्ट काउंट। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, अरे गजब सर, सर इतना छोटा कौन इंसान है जो कि 4.222333569 पर जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ जाएगा, किसको दिखाई देगा? ये दुनिया का सबसे छोटा दिखाई देगा? जब दिखाई नहीं दे रहा तो अनसर्टेनिटी तो यही मिलेगी, सर्टेन तो ये होगा, अनसर्टेनिटी डेसिमल से अनसर्टेनिटी शुरू हो जाता है। 4.2 अगर आवेगा तो ये आपका सर्टेन डिजिट हो जाएगा, ये अनसर्टेन डिजिट हो जाएगा। इतना का ही अगर मेजरमेंट आ रहा है तो डेसिमल का पहला पार्ट ही आपका अनसर्टेन हो गया, यही आपका एलसी बन जाएगा अगर इतना ही मेजर करना है तो। हाँ सर, अनसर्टेनिटी होगा, ये अनसर्टेनिटी का नाम लिस्ट काउंट, क्योंकि वो सबसे दुनिया का छोटा पार्ट है जो मेजर करने के लिए आए, इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया या आंख ने मेजर किया। चलिए अनसर्टेन, मैक्सिमम अनसर्टेन, सबसे लास्ट में गए हो मैक्सिमम अनसर्टेन। एक्यूरेसी गज्जा, किस काम के लिए गए हो, किसका? ये एक्यूरेसी दिमाग में रखना, अभी तुरंत बना रहा हूं एक्यूरेसी, यहां बनाने के लिए जा रहा, यही एक्यूरेसी सीखना है, यही प्रिसाइज सीखना है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ बोलो सर? ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंचना। तो ट्रू वैल्यू तो भगवान का दिया हुआ 4 है, 4 के आसपास जाने के लिए
सबसे छोटा से छोटा जो गलतियां हैं उसको दूर कर दो, भगवान के पास पहुंच गए। बड़ी का तो, बड़ा का तो गलती हो नहीं सकता, छोटका जो बिंदा जो है डेसिमल के आठवां नौवां पोजिशन पर है वहां जा कर के देख लो, सबसे छोटा खत्म कर दो। जैसे सबसे छोटा दूरी, आप मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हो, एग्जामिनेशन में तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दिए, सबसे छोटा जो आपका गलतियां है वो पकड़ लिए तो 100% नंबर आ गया। 100% का मतलब भगवान मिल गया तो मैंने चार मिल गया, चार ही मैक्सिमम अगर नंबर है और वो एकदम मैक्सिमम क्या किया, परमिसिबल एरर तक चला गया, सबसे लास्ट डिजिट का जो आपका है वहां तक का गलतियां जो लास्ट में डेसिमल के सबसे लास्ट में जाके गलतियां पकड़ लिया तो क्या हुआ, गलतियां तो मैंने सबसे लास्ट पकड़ ली, लिस्ट काउंट तो मेजर हो गया। इसका मतलब सबसे लास्ट वाला गलती जब पकड़ लिए तो गलती पकड़ के शुद्ध कर दिए तो कहां पहुंच गए सर, चार नंबर पर पहुंच गए। चार नंबर क्या है, भगवान है, ट्रू वैल्यू है। हाँ, तो सबसे लास्ट डिजिट का पकड़ना, वहां लिस्ट काउंट बनाना और एक्यूरेसी बनना। चलो नोट करो, लास्ट डेसिमल नंबर के पास पहुंचना और लिस्ट, उस नंबर को लिस्ट बनाना बराबर एक्यूरेसी हो जाना। एक्यूरेसी अगर हो गया तो हम ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंच गए, ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंच गए तो भगवान मेरा क्लियर हो गया, आपने एरर दूर कर दी। यही तो पढ़ने का है मकसद कि मैंने दूर कर लिया आपका, क्लियर हो गया काम खत्म। ये नोट कर लो जो बता रहा हूँ, सब फीलिंग पर है भाई, सब फीलिंग पर है। रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला, रट्टा मत मारो। देखो ये काम खत्म। हाँ, मैक्सिमम डाउटफुल डिजिट, ये भी सही है, डाउटफुल डिजिट मैक्सिमम गया। शुड बी रेक्टिफाइड, ये भी सही है। एक्यूरेसी भी बता दिया, एक्यूरेसी का मतलब लिस्ट काउंट, एक्यूरेसी का मतलब लिस्ट काउंट प्राप्त करना, सब बात बता दिया। चलिए एक्यूरेसी का मतलब लिस्ट काउंट दे दिया। अब देखो ये ट्रू वैल्यू है, मेजर देखिए मेजरमेंट किया गया है, ये ट्रू वैल्यू है सारा 6.40 देखो पहले जो बताया उसमें चले जाओ, उसके बाद तुरंत बता देंगे। सर ये मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू इतना ही है, डेसिमल के लास्ट में गए और उसको छोटा बनाया, सबसे छोटा बनाया। सर पॉइंट बनाया, चार का सबसे छोटा एक आ गया, इधर कुछ नहीं है तो जीरो कर दो, यूनिट सेंटीमीटर है, खत्म। यही हो, इसी को दूर करना है, सबसे छोटा यही हो गया। यहाँ आइए डेसिमल के लास्ट में जाइए, इसको सबसे छोटा बनाइए, जीरो नहीं कर दिएगा, जीरो मेजरमेंट नहीं होता, एक से शुरू करो, एक आ गया। अब क्या हुआ, ये जीरो लिखो, चार के बदले जीरो लिखो, ये डेसिमल हो गया, सबसे छोटा पहुंच गया। सबसे छोटा कहाँ, दो नंबर पर, डेसिमल के दो नंबर पर, वहाँ सबसे छोटा लिखा, रेस्ट इधर सब जीरो लिखो, हमको वहाँ मेजर करना है, इधर तो कुछ नहीं मेजर करना है, ये सब शुद्ध है, शुद्ध को मेजर नहीं किया था, अशुद्ध को मेजर किया था, एल सी यही हो गया, 0.0 हो गया, खत्म हो गया। यहाँ जाओ सबसे लास्ट जाओ, सबसे लास्ट क्या होगा, 1, इसके बाद 1, 2 है, 2 0 दे दो, हो गया लिस्ट काउंट, सबसे लास्ट गया, मेजर किया, 1 आया, पॉइंट दो, खत्म, ये 0 करो सेंटीमीटर, हो गया लिस्ट काउंट, हो गया साहब लिस्ट काउंट, हो गया साहब लिस्ट काउंट, थोड़ा ठीक से कर लेना, 0.001 सेंटीमीटर देख लेना, कटे नहीं, ठीक है सर, आ गया। अब यहाँ एलाइज बिटवीन मेजर जो कर रहे हो तो गलतियाँ किस में हो सकती है, ध्यान से सुनना, गलतियाँ कैसे हो सकती है इंसान से, मैं आज गलतियों के बारे में बता रहा हूँ। देखिए विजन और फीलिंग होना चाहिए। सर ट्रू वैल्यू 6.4 है, यहां तो जिंदगी में पहुंच नहीं पाओगे, गलतियां यही है, मैक्सिमम परमिसिबल की गलतियां यही है। गलतियां या तो पहले आएगी, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, पहले आ सकती है, इतना ही गलतियां है, यही एलसी है, सबसे छोटा मेजरमेंट है, यही गलती हो सकता है, मोस्ट परमिसिबल एरर यही है, डाउटफुल मोस्ट यहीं पर है, रेक्टिफाई यही करना है,
एक्यूरेसी यहीं पर निकालना है, रिजोल्यूशन यहीं पर देखना है, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी यहीं पर है, सब कुछ मिला दिया। सर ये इतना कम आंक सकता है, कम इसके पहले कम, या आंख या इंस्ट्रूमेंट इतना आपको ज्यादा नाप सकता है, कितना 0.1, यही गलतियां हैं। तो समझो 6.4 नापने के लिए गए, हो सकता है आंख या इंस्ट्रूमेंट उसके पहले ही गलती कर दे या उसके बाद गलती करे, यही तो हो सकता है, यही तो हो सकता है ना। 100 पक्का पक्की है आंख या तो 99 पर लाके गिरा दे या आंख 101 पर गिरा दे, 100 तो जाने सकते हो, जस्ट गलतियां क्या हो सकती है पहले या गलतियां बाद में। बोलता है कि बताओ तुम कंपीट करोगे कि नहीं करोगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हो सकते हैं यानी ट्रू वैल्यू से ज्यादा, नहीं हो सकते हैं तो ट्रू वैल्यू के पहले। तो मिरर हमेशा सर ट्रू वैल्यू से माइनस में जा सकता, एरर आपका ट्रू वैल्यू से प्लस में जा सकता। ये कितना प्लस माइनस जा सकता है, जितना हमारा डाउटफुल है। डाउटफुल क्या है, 0.1। तो 6.4 में अगर 0.1 माइनस कर दो तो 6.3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलतियां अधिक से अधिक 6.3 पर, ये आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रू वैल्यू है, गलतियां इतना है तो गलतियां आपका माइनस भी हो सकती हैं, या गलतियां प्लस कर दो तो 6.5 आ गया, तो गलतियां आपका 6.5 पर जा सकता। ये समझ में आया। अब बोल गया एल लाइज बिटवीन, देखो यहाँ मारो क्वेश्चन, एल लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक बंदा मेजर कर सकता है। सर 6.4 तो मेजर कर नहीं सकता, गलतियां या तो पहले हो सकती है 0.1 तो 6.3 सेंटीमीटर हो गया, टू गलतियां या तो 0.1 आगे बढ़ सकता है, यहाँ कितना हुआ 6.5 सेंटीमीटर हो गया। ये एल लाइज बिटवीन आपका जो मेजर करेगा कोई भी इंसान आपको क्या करेगा 6.3 सेंटीमीटर से लेकर के 6.5 सेंटीमीटर तक, इसी के बीच में मेजर कर सकता है बेटा, 6.4 मेजर नहीं कर सकता। एक बार और समझो, 6.4 मेजर करना है, मेरी बिटिया मेजर करते 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 आ गई, गलतियां कितना हो सकता है सबसे मैक्सिमम पर में से 0.1, इसका मतलब क्या हुआ 6.4 पर तो नहीं जा सकते हो, इसके पहले गलती हो सकता है यानी माइनस में एरर जा सकता है, या यहां तक करते करते आगे बढ़ सकते हो, कितना कितना गलतियां हो सकती है अधिक से अधिक 0.1 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया 0.1 ज्यादा हो सकता है, ट्रू वैल्यू से क्या प्लस में जा सकता है, ट्रू वैल्यू से माइनस में जा सकता है। तो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो, क्या नोट कर रहा है, क्या नोट किया जाएगा जल्दी बोलो सर। आज के बाद हमें लिस्ट काउंट अगर पता चल गया तो मेजरमेंट जो हम करेंगे, मेजरमेंट जो हम करेंगे वो ट्रू वैल्यू के आगे भी जा सकता है। तो आगे कौन गया, लिस्ट काउंट ट्रू वैल्यू, आइए क्या है देखो 0.1 जोड़ा है, 0.1 सेंटीमीटर जोड़ा है, 6.4 प्लस 0.1 सेंटीमीटर 6.5 हो गया, मेजर्ड वैल्यू हो गया, ये क्या हो मेजर्ड वैल्यू हो गया, ट्रू वैल्यू प्लस लिस्ट काउंट। गलतियां सर पहले भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब ट्रू वैल्यू माइनस कितना होगा लिस्ट काउंट होगा, ये दोनों को कंबाइंड अगर करते हो तो मेजरमेंट क्या होगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस लिस्ट काउंट आपका होगा। ये आगे जाके पढ़ोगे रिप्रेजेंटेशन में कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस लिस्ट काउंट अगर कर दें तो हमारा आंसर मेजर्ड में आ जाएगा, तो ये बात दिमाग में रखोगे। अब आगे लगाओ इस क्वेश्चन को, बोलो सर ट्रू वैल्यू आपका 6.40 है, एकदम सही बात, चलो ट्रू वैल्यू कितना है 6.40 सेंटीमीटर है, चिंता नहीं करो, इधर कम कर दो एलसी को कम कर दो, तो 6. यहां से यहां बना देता हूं, इसको हटाता हूं, देखो 6.40 में एलसी को माइनस कर दो, 6.39 आ गया, यहां क्या हुआ एलसी आ गया कितना 0.01, मेजर कितना की 6.39, ये हो सकता ये मेजरमेंट है, यहां मेजर कितना होगा एलसी आगे जा सकता है, एलसी इधर माइनस होगा इधर एलसी प्लस होगा,
यहाँ कितना होगा 6.40, मैं इस बार प्लस कर दो कितना होगा 1 आएगा 4 आएगा 6.40 6.40 आ गया 41 आ गया 41। क्या हुआ, गलतियाँ पहले हो सकती हैं, गलतियाँ बाद हो सकती हैं। पहले कितना लिस्ट काउंट से माइनस करो ट्रू वैल्यू को, बाद में कितना लिस्ट काउंट से ऐड कर दो। रूल क्या बना, बाद में जाके किए तो ट्रू वैल्यू प्लस लिस्ट काउंट होगा, पहले अगर कोई बच्चा कर दिया गलतियाँ तो क्या होगा ट्रू वैल्यू माइनस एलसी आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ बताओ, यहाँ अपने से बताओ, बताओ कितना होगा सर, यहाँ क्या होगा, ध्यान से समझना। ए ट्रू वैल्यू कितना है 6.400 है, कितना मेजर करेगा, पहले गलती हो सकता है, ट्रू वैल्यू से पहले गलती हो सकता है, तो 6.400 कितना गलती हो सकता है लिस्ट काउंट 0.001 आ जाएगा, 10 1 9 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 6.399 आएगा। तो यहाँ कितना होगा 6.399 हो गया, पहले कितना माइनस एलसी होगा ट्रू वैल्यू माइनस एलसी, यहाँ पहुँच जाओगे 6.400, यहाँ सर प्लस एलसी होगा, गलतियाँ आगे बढ़ सकती हैं, कितना होगा 0.001 1 आया 0 आया 4 आया 6.401 आया 6.401 आया, समझ में आ गया होगा। एल लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, रूल भी दे दिया, एलसी भी समझ में आ गया, ट्रू वैल्यू ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए एसएफ के बारे में, अब यहाँ से रूल निकलेगा, ध्यान से समझोगे रूल क्या निकलेगा। क्या बताया था, जितना दूर जाओगे डेसिमल के, जल्दी बोलो सर, आपने बताया था कि 4.22234567 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना डेसिमल के दूर जाओगे उतना बेहतर बेटर मेजरमेंट होगा, उतनी शुद्धि मिलेगी, उतना ज्यादा ट्रू वैल्यू के पास पहुंचोगे। आया समझ में। अब यहां एसएफ क्या, एसएफ भी पढ़ाया नहीं है लेकिन आपको पता होगा एसएफ का, एसएफ निकालने के लिए नहीं पूछेगा भाई साहब, सब पूछेगा सेंस पर, सेंस आपको है या आंख मूंद करके पढ़ रहे हो, नंबर उम्बर निकालने के लिए इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता कितना एसएफ होगा। देखो क्या है सर, देख लीजिए एसएफ का मतलब हुआ, एक नियम केवल बता देता हूं, जो ट्रू नंबर है मीनिंगफुल नंबर है उसको काउंट करना ही एसएफ है। एसएफ मैंने सिग्निफिकेंट फिगर, मेजरमेंट करते वक्त नापने वक्त जो ट्रू वैल्यू है उस नंबर को जोड़ लो, उस नंबर को काउंट कर लो कि कितना है, जो सच्चा नंबर है उसको काउंट कर लो, जो रियल डिजिट है जिसमें गलतियां कभी पाई नहीं गई हैं उसको नोट कर लो। ऐसा पहचानने के लिए आया, आया समझ में आ गया एकदम। तो अभी इतना ही बात, रूल बोलता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर वाले नंबर हैं, नॉन जीरो वाले सब एसएफ है। तो 1 और 2 आ गया, यहां एसएफ 2 दे दो खत्म। आगे देखो नॉन जीरो ये भी है, अब जीरो का नंबर बोला है, बोला डेसिमल के बाद अंतिम में अगर जीरो रहे, डेसिमल के सब रीजन बताएंगे अभी चुपचाप, एसएफ काउंट करने के लिए सीखो। डेसिमल के बाद अंतिम अगर जीरो है, डेसिमल आने के बाद अंतिम में अगर जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी सिग्निफिकेंट नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, और डेसिमल के अंतिम जीरो, डेसिमल के बाद अंतिम जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 2 3 यहां भी 3 आ गया। यहां आइए, डेसिमल है
और अंतिम यहाँ जीरो है। इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट आ गया। आइए तो सिग्निफिकेंट है ही है, दो सिग्निफिकेंट के बीच में कोई नंबर आ जाए, एक और दो सिग्निफिकेंट है, इसके बीच में कोई नंबर आता है जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। क्या बोला? दो नन जीरो के बीच में जीरो अगर आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो सर ये तो अंतिम वाला तो सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है सिक्स, इसके बीच में जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो एक दो तीन चार, चार यहाँ पर आपका क्या हुआ, दो आ गया, यहाँ तीन है भैया, इसका तीन है, और यहाँ क्या है, इसका चार है, चार है। अब ये एसएफ का सेंस बताओ, ध्यान लगाओ, ये चार एसएफ गया क्यों? सर गया कि कहा कि अगर एरर निकालना है, लिस्ट काउंट निकालना है, एक्यूरेसी में जाना है, ट्रू वैल्यू के पास जाना है, तो डेसिमल के अंतिम तक जाओगे तभी ट्रू वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब डेसिमल का अंतिम गए तो क्या हुआ, एसएफ क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम एसएफ जाओ, ट्रू वैल्यू पाओ, एक्यूरेसी पाओ। क्या कह रहे हैं सर? आंसर तो मिल गया। अगर आपके पास आज के बाद बोले कि एसएफ मैक्स अगर आ जाता, तो सर एसएफ मैक्स का मतलब अंतिम डेसिमल तक पहुंचना, अंतिम डेसिमल तक पहुंच गए तो सर लिस्ट काउंट हम मेजर कर लिए, लिस्ट काउंट मेजर कर लिए तो मैक्सिमम परमिसेबल एरर हम पता लग गया, मैक्सिमम गलतियां पता चल गई, मैक्सिमम गलतियों को शुद्ध कर दिया, जैसे शुद्ध कर दिया एक्यूरेसी में पहुंच गए, एक्यूरेसी कहाँ चला गया, ट्रू वैल्यू में चला गया, और आंसर क्या हुआ, लगभग भगवान के आसपास पहुंचा दिया, मेजरमेंट मेरा 100% करेक्ट। एसएफ का कमाल है ये। आज के बाद रिमार्क्स क्या दिया, एसएफ मैक्सिमम, एक्यूरेसी बेहतर से बेहतर, मेजरमेंट हद तक मैंने शुद्ध कर दिया है, ट्रू वैल्यू तक मैं हद से ज्यादा पहुंचा दिया है, किसको, एक्यूरेसी को, एक्यूरेसी को, एक्यूरेसी, इससे बेहतर भाई मेरे हमसे तो अब नहीं होगा। और अगर ये समझ रहे हो तो टुनटुनियां बजा दो, अब बजा दो, जिंदा रखना है।